हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल नीति लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार प्याज की करी, जिसको हम बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और इसमें एक ऐसी खास सामग्री का यूज करके बनाएंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इस तरीके से प्याज की करी एक बार बनाइए और यकीन मानिए, आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। तो चलिए फिर प्याज की करी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्याज की करी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये हमने 10 से 12 छोटे साइज का प्याज लिया है, जिसको हमने अच्छे से छील कर धो लिया है। यह वजन में लगभग 250 ग्राम होगा। और हमने 100 ग्राम हरे ताजे मटर लिए हैं, 4 लाल टमाटर लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्च लिए हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियां लिए हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। अब इन सबको हम एक मिक्सर जार में पीस लेंगे। अब हम गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए कढ़ाई को रखेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। हम आराम से एक एक प्याज को कढ़ाई में डालकर डीप फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्याज कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम सारे प्याज को कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। अब हम दूसरी कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, तब इसमें हम 2 तेज पत्ता डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच राई डालेंगे और 1 पिंच हींग डालेंगे। इन सबको हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम जो टमाटर अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाए थे, इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी डाल देते हैं, जैसे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले को ढककर 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से तेल छोड़ दिए हैं। अब इसमें हम दही डालेंगे। दही को हम मसाले में अच्छे से मिक्स करते हुए लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो हमारे दही फट भी सकते हैं, इसलिए इसे हम लगातार चलाएंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे। इसे भी मसाले में मिक्स कर लेते हैं। अब हम मसाले को ढककर पकाएंगे, जिससे हमारा दही मसाले में अच्छे से पक जाए। 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारा मसाला कितने अच्छे से पक गए हैं और मसाले का कलर भी कितना अच्छा आ गया है।
अब इसमें हम हरे मटर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें एक छोटी कटोरी ग्रेवी के लिए हम पानी डालेंगे। अब हम कढ़ाई को ढककर 4 से 5 मिनट मटर को पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं हमारे ग्रेवी कितनी अच्छे से पक गए हैं और साथ में मटर भी पक गए हैं। अब इसमें हम फ्राई किए हुए प्याज को डाल देंगे। इसे हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और 2 मिनट फिर से ढककर पका लेंगे, जिससे प्याज में ग्रेवी का टेस्ट अच्छे से चला जाए। 2 मिनट हो गया है, अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब हम फिर से कुछ देर के लिए कढ़ाई को ढक देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्याज की करी बनकर तैयार हो गया है और यह देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारा प्याज की करी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे पराठे रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे एक बार इस तरीके से जरूर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमें शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।